आप सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में दशा माता की आठवीं कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक लड़का था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा, कुछ काम करो जिससे अपना निर्वाह हो। तब लड़का गांव वालों की गायें चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने घाट पर गया। वहां स्त्रियां स्नान करके दशा रानी के गंडे ले रही थी। उनका एक घंटा अधिक था। उनमें से एक ने कहा कि लड़का किसी उच्च वर्ण का हो तो उसी को गंडा दे दे। फिर स्त्री ने पूछा कि तुम कौन से वर्ण के हो। वह बोला कि हूँ तो मैं ब्राह्मण, पर कोई काम न मिलने के कारण गायें चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक घंटा देकर कहा कि तुम इसे घर ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, सो भी ले जाकर अपनी माता जी को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर आया। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा रानी का गंडा व सामान भी उसे दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से वह यह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे की पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाहर लेप ही रही थी कि एक वृद्ध दरिद्र महिला द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन। वह बोली, आज मेरे घर दशा रानी का पूजन है। तब दशा रानी ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तब बुढ़िया माई ने कहा, जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया कटोरी लेने अंदर गई। तब एक मेली कुचली बुढ़िया जो स्वयं दशा रानी थी, उसने परिंडे के पास एक सोने का घड़ा रखा और अंतर्धान हो गई। बुढ़िया माई कटोरी लेकर जो ही परिंडे के पास आई, वहां सोने का घड़ा देखकर घबराई और सोचने लगी कि ये कहां से बला आ गई, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। वह बोली कि एक बुढ़िया न जाने कहां से आई और यहां सोने का घड़ा रखकर गई। लड़के ने कहा कि वह तो दशा रानी थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया है। अब की बार जो फिर आवे तो उनका अच्छी तरह स्वागत करना। अब बुढ़िया नदी में नहाकर आई तो सामने सोने का घड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया और उसमें उत्तम वस्त्र एक किनारे पर रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर वह जो ही घर चलने को तैयार हुई, 4 कहां डोली लिए आप पहुँचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। आगे देखती है कि जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन के महल खड़े हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा रानी के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे महारानी, जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब यह सब शोभा देगी। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशील बहू घर आ गई। तब बुढ़िया ने दशा रानी से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बेटा बहू है वैसे ही पोता पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया।
एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा रानी की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मेली कुचली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल की छोर से पोंछना, घिन नहीं करना। जब कभी दशा रानी के घंटे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करना। तब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागनी को नोता देना। दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा रानी ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि अब बहू सास के वचनों का कहां तक पालन करती है। अब वह एक वरदा बिखारने का वेश धारण कर उसके घर आए। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पांव छुए, दंडवत किए और अपने बालक को उनकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देकर दशा रानी ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान सदा तेरा भला करे, भंडार भरपूर हो, कभी किसी बात की चिंता ना हो, तुझे जो इच्छा करेगी सो फल पावेगी। दशा रानी ने जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसे सबकी करना। तो बोलो दशा रानी की जय हो।